यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव की कार को ट्रक ने पहले पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार को लगभग आधा किलोमीटर तक कार को घसीटते हुए ले गया। इस हमले में सपा नेता बाल बाल बच गए। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक विनय यादव चौबिया इटावा का रहने वाला है। मामले में छानबीन की जा रही है। वहीं जानकारी मिलते ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव जी आज अपनी ब्रेजा गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो मैनपुरी में करहल चौराहे के निकट भदावर हाउस के पास उनकी ब्रेजा गाड़ी हरियाणा नंबर के एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल चालक को हिरासत में लिया गया। चालक विनय यादव चौबिया इटावा का रहने वाला है। संपूर्ण पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी पावर हाउस के पास पीछे से ट्रक आ रहा था, आगे हम चल रहे थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। उस हल्की सी टक्कर हमारी लगी, उसके बाद मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके बाद उसने फिर तेजी से टक्कर दोबारा फिर तेजी से आगे टक्कर मारी और उसमें गाड़ी हमारी घूम गई और उस आगे खींचते हुए गाड़ी ले गया। और उसके बाद मैंने दो बार गाड़ी बैक की, फिर टक्कर मारे, फिर बैक की, फिर दोबारा फिर टक्कर मारी।